एक्वास्टार नहीं है क्या? घर आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ जे बॉबी। आज हम बात करेंगे चुनाव से जुड़े कुछ बातें, जिसमें जैसे कि आप सभी को मालूम है, अंडमान निकोबार में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार को उतार दिया है और विष्णुपद राय जो है अंडमान निकोबार में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। जैसे कि आपको मालूम है कि अंडमान में जो है कांग्रेस पार्टी अपना अभी तक उम्मीदवार उतारे नहीं है। जो दो चेहरे हैं अंडमान निकोबार के कांग्रेस पार्टी से, एक है कुलदीप राय शर्मा जो कि सिटिंग एमपी है, दूसरे है आपके टीएसजी भास्कर जो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन है कांग्रेस पार्टी के। तो दो लोग हैं, इनमें से जो है पार्टी डिसाइड करेंगे कि किन को जो है टिकट देनी है। तो वैसे में बात करेंगे, टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विष्णुपद राय जी को दे चुके हैं, उसके बाद में जो है उनका दौरा भी शुरू हो चुके हैं, कई जगह मीटिंग स्टार्ट कर लिए। मगर सवाल ये है, क्या विष्णुपद राय जी जीत पाएंगे अंडमान से? जिस दिन जो है अंडमान निकोबार में भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार विष्णुपद राय रहेंगे, उस दिन रात में ही आपने देखा वीडियो, हमने उनसे इंटरव्यू भी ली थी, आपको ऑफिस का भी नज़ारा दिखाया, जितना जोश कार्यकर्ता में होनी चाहिए थी वो हमें उस समय दिखाई नहीं दिए। आज भी अगर आप देखेंगे विष्णुपद राय जी के साथ पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े नहीं है। पीछे जाके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में विशाल जोली का अहम रोल रहा है, कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये सारे कार्यकर्ता चाहते थे कि विशाल जोली को टिकट मिले। विशाल जोली को टिकट नहीं मिल के विष्णुपद राय को जो है पार्टी ने तय किया कि उन्हें उम्मीदवार बनाए। अब आलम यह है कि उनका जैसे कि डिगलीपुर में दौरा हुआ, मैं भी वहां पे थे, जो भीड़ वहां पे दिखनी चाहिए थी, एक उम्मीदवार जब आते हैं तो काफी भीड़ होती है और इतना बड़ा पार्टी, नेशनल पार्टी और आज सरकार में भी है, वैसे में वहां में उनका कार्यकर्ता उनके साथ में जितना होनी चाहिए थी नहीं। जहां जहां मीटिंग एक कर रहे हैं वहां पे भी जितनी इनके जो सपोर्टर होनी चाहिए थी, पार्टी के जो कार्यकर्ता होना था, वो वहां पे दिख नहीं रहे। वैसे में सवाल जरूर ये उठता है कि क्या जीतेंगे? जिस दिन जो है भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुपद राय को टिकट दिए, लोगों में काफी चर्चा हुआ कि विष्णुपद राय जी जो है आसानी से विष्णुपद राय जी जीत जाएंगे। मगर जब हमने कार्यकर्ताओं से बात की, टिकट देने के इतने दिनों बाद भी देख रहा है कि उनके साथ कार्यकर्ता है नहीं। बीजेपी अगर आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में अगर जीतता है तो उसका मेन रीजन बूथ लेवल का कार्यकर्ता होता है, उनके कार्यकर्ता के वजह से ही एक उम्मीदवार जीत पाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो। अगर कार्यकर्ता उस पार्टी के साथ नहीं होंगे तो उस जगह का जो उम्मीदवार है वो जीतेंगे नहीं। तो सवाल बहुत बड़ा है कि बिना सपोर्टर के विष्णुपद राय जी क्या जीत पाएंगे भारतीय जनता पार्टी से? विष्णुपद राय के साथ ये कार्यकर्ता उनके साथ नहीं दिख रहा है। उनका कहीं ना कहीं मांग है कि एटलीस्ट विशाल जोली को जो है पार्टी प्रेसिडेंट बनाए। अगर ये सारे कार्यकर्ता नहीं उतरेंगे तो क्या विष्णुपद राय जीत पाएंगे? और इसी को मनाने के लिए आज हमें खबर मिली है कि वाई सतिया कुमार जो कि अंडमान निकोबार के प्रभारी है बीजेपी के, वो आज अंडमान आए हैं। ये भी देखा होगा कि विष्णुपद राय जो है कई बार विशाल जोली को चोर कह चुका है। आज भी अगर आप देखेंगे इनके कार्यकर्ता से अगर आप पूछेंगे तो जहां पे मीटिंग में जा रहा है तो यही कह रहा है कि विशाल जोली की वजह से उनको पिछले बार जो है उनको टिकट नहीं मिले। तो वैसे में कार्यकर्ता ये बातों से जो है काफी नाराज है। उस नाराजगी को दूर करने के लिए आज सत्य कुमार जी जो है यहाँ अंडमान आए हुए हैं, कार्यकर्ता को समझाने मनाने के लिए आए हुए हैं। देखना ये होगा वाकई में क्या कार्यकर्ता इनके बातों को मानेंगे। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस में आप देखेंगे, उम्मीदवार अभी तक
ऐलान नहीं हुआ है कौन खड़ा होगा, अभी तक डिसाइड नहीं किया कांग्रेस की तरफ से। मगर दूसरे तरफ अगर देखेंगे तो दो वहाँ पे कैंडिडेट दिखाई दे रहा है, एक सिटिंग एमपी कुलदीप राय शर्मा और दूसरे तरफ जो है टीएसजी भास्कर। ये दोनों के पास में खुद का कहने के लिए वर्कर है जो कि बीजेपी में दिख नहीं रहा है। अगर आप मान लो कुलदीप राय शर्मा को टिकट मिल रहा है कांग्रेस से, वैसे में उनका जो कार्यकर्ता है वो जरूर उनके लिए काम करेंगे और हो सकता है कि उससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर भास्कर टीएसजी भास्कर को अगर टिकट मिलता है तो उनके पास भी पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी का कार्यकर्ता मिलके जो है उनको जिताने का काम करेंगे। इसलिए अभी ये कहीं ना कहीं हमें लग रहा है और लोगों को भी ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अंडमान निकोबार से जीतना काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर कार्यकर्ता जब तक इनके साथ में नहीं जुड़ेंगे तब तक जो है इनका जीत आसान नहीं है। अब देखना ये होगा सत्य जी यहाँ पे आए हुए हैं वो क्या है? इनको मना पाते हैं कार्यकर्ता को और एकजुट होके क्या भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कार्यकर्ता जो है सड़क में उतरेंगे या नहीं। बने रहिए हमारे साथ में इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।